नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवाया है और आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, कंट्रीब्यूशन बंद कर दिया है, उसमें पैसा डिपॉजिट करना बंद कर दिया है, तो यहां मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं और आप लोग कैसे अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को दोबारा से रिवाइव करा सकते हैं, यानी कि दोबारा से अपने निष्क्रिय पड़े खाते को चालू करा सकते हैं। और तीसरी चीज दोस्तों कि यहां पे आप लोगों के सामने क्या क्या पेनाल्टी निकल करके आएंगी अगर आप लोग अपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अकाउंट को दोबारा से चालू कराते हैं। तो अगर आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट खुलवाया है तो आप लोग इस चीज को देखिए, जिससे कि आप लोगों को आगे समझ में आएगा कि अगर हम लोग इस तरह की गलती करते हैं तो क्या उसका सोल्यूशन है और हमें क्या नुकसान हो सकता है। आप देख रहे हैं दोस्तों द इनेट व्यूअर चैनल और मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं रवि। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है इसी तरह की वीडियोस और देखने के लिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों तक वीडियोस पहुंचती रहेंगी। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड है क्या। जिनको नहीं पता है तो वो जाकर के चैनल पे देखें। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप लोगों को 1.5 लाख तक का इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है ATC के अंतर्गत। ये पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट टैक्स एग्जाम्ड है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आप लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में बताई है एक वीडियो के माध्यम से। तो यहां पे दोस्तों मैं मान लेता हूं कि अगर आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 1 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बिल्कुल से निष्क्रिय पड़ा हुआ है खाता, तो यहां पे आप लोग उसको कैसे चालू करा सकते हैं। तो देखिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप लोगों का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए का है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए 1.5 लाख रुपए है। यानी कि आप लोग अगर इसको चालू कराना चाहते हैं तो आप लोगों का जिस भी ईयर का, जैसे कि 1 साल हो गया आप लोगों का और आप लोगों का खाता निष्क्रिय हो गया है, तो आप लोगों को उस ईयर का मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में आप लोगों को 50 रुपए की पेनाल्टी देनी पड़ेगी कि आप लोगों ने जो मिस किया हुआ है, ये पेनाल्टीज लगती हैं जो कि आप लोगों को भरनी पड़ेंगी। अब इसी तरह से अगर आप लोगों ने मान लेते हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो आप लोगों को हर साल का 500 रुपए जो इनका मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा वो देना होगा और हर साल का 50-50 रुपए पेनाल्टी। तो जैसे कि मैं मान लेता हूं कि 3 साल आप लोगों ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो आप लोगों को यहां पे 1500 रुपए हर साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, प्लस आप लोगों को 150 रुपए यहां पे पेनाल्टी के रूप में देनी पड़ेगी, तो आप लोगों का खाता दोबारा से चालू हो जाएगा। अब दोबारा से खाता चालू कैसे होगा ये आप लोगों को जानने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा अपने पोस्ट ऑफिस में या फिर आप लोगों को अपने बैंक में, जहां भी आप लोगों ने अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड का अकाउंट खुलवा रखा है। अगर आप लोगों का बैंक है तो वहां पे बैंक मैनेजर से बात करके एप्लीकेशन लिख करके जो भी आप लोगों का मिनिमम कंट्रीब्यूशन होगा, पेनाल्टीज होगी, वो दे करके आप लोग अपना खाता दोबारा से चालू करा सकते हैं। और वहीं पे अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस में है तो हेड पोस्ट ऑफिस के मास्टर से, जहां से जिसके माध्यम से भी आप लोगों ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड खुलवाया है, जाकर के आप लोग उससे मिलिए। वो आप लोगों से उच्च अधिकारी से मिला देगा जो भी उस पोस्ट ऑफिस का हेड होगा। आप लोगों को एप्लीकेशन लिख करके देनी होगी, फिर जाकर के आप लोगों को अपना मिनिमम कंट्रीब्यूशन और पेनाल्टी के साथ देकर के पैसा दोबारा से वो चीजें रिवाइव हो जाएंगी। बाकी और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब बात आती है कि अगर आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में नहीं करते हैं या फिर आप लोगों का PPF का अकाउंट निष्क्रिय कर दिया गया है, तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को सबसे पहला घाटा होने वाला है, जो सबसे बड़ा है वो है कि आप लोगों को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्योंकि अधिकतर लोग, अगर हम लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करें, तो वो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बाद में सोचते हैं, पहले वो सोचते हैं कि हम टैक्स सेव कर सकें अपना, ठीक है। तो यहां पे टैक्स आप लोगों को सेविंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा आप लोगों का जो भी कंट्रीब्यूशन उस ईयर का होगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आप लोगों का जो मैच्योरिटी बनने वाला है, जिस हिसाब से आप लोगों का मैच्योरिटी बनेगा वो नहीं बनेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का जो भी खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा उस पे आप लोग ब्याज कमाएंगे भी नहीं। यानी कि मान लेता हूं कि आप लोगों ने 5 साल तक पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, 2 साल तक आप लोगों ने 1.5-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, लेकिन अब 3 साल आप लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, आप लोगों की जो भी PPF का अकाउंट है उसको बंद कर दिया गया, तो यहां पे आप लोगों को उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोगों का पब्लिक प्रोविडेंट फंड कंपाउंडिंग पे काम करता है, तो अगर खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा तो जितना भी आप लोगों ने ऑन किया होगा रिटर्न में, इंटरेस्ट वगैरह जो भी आप लोगों का ऑन हुआ होगा, उसी पे आप लोगों का रोक दिया जाएगा जिस दिन खाता आप लोगों का बंद होगा।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग एक बढ़िया फाइनेंशियल गोल लेकर के चलना चाहते हैं तो कम से कम हर साल का मिनिमम कंट्रीब्यूशन जरूर कर दीजिएगा। एक साल में आप लोग अपने लिए 500 रुपए तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों की जो भी पीपीएफ का खाता है वो बंद ना हो, आप लोगों को लाभ मिलता रहे, जो भी इंटरेस्ट है वो मिलता रहे और आप लोगों का कंपाउंड होता रहे पैसा, तो इसके लिए आप लोगों को उसमें मिनिमम कंट्रीब्यूशन अगर आप लोगों ने खुलवा लिया है तो 500 रुपए कर ही दीजिए। आप लोग उसको एक बार खुलवा लिए हैं तो बंद मत कीजिए। बाकी दोस्तों यहां पर आप लोग फिर अपने पैसे को भी नहीं निकाल सकते हैं, अगर एक बार आप लोगों का खाता बंद हो जाता है जो भी गवर्नमेंट है या फिर कह लीजिए पोस्ट ऑफिस की तरफ से या फिर आप लोगों के बैंकों की तरफ से, उनकी तरफ से बंद कर दिया जाता है, तो यहां पे आप लोग उसमें से पैसा भी नहीं निकाल सकते हैं। आप लोग पैसा 15 सालों के बाद ही उसमें से निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर आप लोग इसमें से पैसा निकालना चाहते हैं तो 7 सालों में आप लोग पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। वो सब आप लोग मेरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड की डिटेल वीडियो में जाकर के देखिए, वहां पे आप लोगों को पूरी इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोगों को ज्यादा इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इस वीडियो मैंने नहीं कवर किया है। तो इस वीडियो में इतना ही है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड को लेकर के तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर इससे कोई बियॉन्ड क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे द इंडियन फीवर सर्च करके वहां भी मुझे पर्सनली जोड़ सकते हैं और मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जरूर करूंगा। तो बस वीडियो में इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो इसी तरह की आगे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।